स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि। हाल ही में गढ़मुक्तेश्वर JAN कोतावली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के जंगल में दादी के साथ खेत पर चारा लेने गई पहले 13 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी गांव के रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे नीरज कुमार जादौन, SP सर्वेश मिश्रा, CO पवन कुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। मामला दो समुदाय के होने के कारण गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस घटना से जुड़ी अहम बात। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बता दें कि शनिवार को कोतावली क्षेत्र के गांव निवासी एक वृद्ध महिला 13 वर्षीय किशोरी को अपने साथ लेकर जंगल में चारा लेने के लिए गई थी। इस दौरान पड़ोसी गांव के रहने वाले विशेष समुदाय के चार युवकों ने किशोरी का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की तहरीर देते हुए आरोपी अब्दुल तस्लीम दानिश रिहान निवासी गांव अटसेनी के खिलाफ संबंधित घटना की तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने देर रात को कोतावली प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को तस्लीम दानिश रिहान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार करने के लिए स्थानों पर दबिश दी गई है। हालांकि अभी तक चौथा आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिसकी तलाश की जा रही है। वही मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पीड़िता के गांव व आरोपियों के गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में SP नीरज जादौन ने बताया कि घटना में शामिल तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों गांव के शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।